बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल और आपके मोबाइल ऐप पर तो लिख आदमी पर माँ मेरे गूंगे का मान बना दे माँ मेरे गूंगे शब्दों को गीतों का मान बना दे गीत मेरा बन जाए कन्हाई फिर मुझको रस खान बना दे माँ मेरे गूंगे शब्दों को गीत का मान बना दे देख सके दुख दर्द की टोली सुन भी सके फरियाद की बोली देख सके दुख दर्द की टोली सुन भी सके फरियाद की बोली माँ सारे नकली चेहरों पर आंख बना दे कान बना दे माँ मेरे गूंगे शब्दों को गीत का अरमान बना दे मेरी धरती के खुद गरजों ने टुकड़े तुकर टुकड़े बांट लिए हैं इन टुकड़ों को जोड़ के मैया सुथरा हिंदुस्तान बना दे गीत मेरा बन जाए कन्हई फिर मुझको रस खान बना दे माँ मेरे गूंगे शब्दों को गीत का अरमान बना दे गीत का अरमान बना दे बहुत स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल अतुल्यदमी पर निसंदेह एक लंबे वक्त के बाद आज लाइव की क्लास में लाइव के सेशन में हम आपके सामने हैं तो जितने भी यहाँ पर सुजन श्रेष्ठ जन उपस्थित हैं आप सभी से मेरा निवेदन है कि इसको शेयर कर लीजिए और कुछ लोगों को बुला लीजिए लेकिन जितने भी हो पर्याप्त हो ऐसा भी नहीं है कि कम हो बहुत पर्याप्त हो शुरुआत तो हमेशा बेहतरी से की जाती है लेकिन आप सबकी इस दिली को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने निसंदेह अपनी उपस्थिति देकर अपने आप की श्रेष्ठता को वंदन किया निराशता निराशा में जीवन व्यतीत करने वाले इलाहाबाद के उन समस्त सज्जनों और देवियों के मेरा नमन है अभिनंदन है कि चिंता बिल्कुल नहीं करना है चिंतन के साथ अपने परिश्रम को बढ़ा देना है याद रखें किसी भी संस्था में पढ़ रहे हो हार और जीत आपकी तभी निश्चित हो जाएगी जब आप स्वयं स्वीकार करने लगोगे आप जब टूटने लगोगे तो पूरी तर्मयता के साथ पूरी श्रेष्ठता के साथ पूरी ताकत के साथ पूरे अभिनंदन के साथ और अपने माता पिता के स्वप्न को पूर्ण करने के स्वभाव से ही आप पूर्णतः तैयार हो जाइए और खुद को बहुत ही श्रेष्ठता के साथ तैयार करिए माटी की मूर्तें निश्चित तौर पर आपने सुना होगा माटी की मूर्ति एक रचना है जिसे राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है राम वृक्ष बेनीपुरी की ये जो रचना है वैसे यूजीसी के नेट के एक यूनिट टेन है इकाई दस है उसी इकाई में पहला ये पाठ है लेकिन ये उपयोगी है टीजीटी के उन छात्रों के लिए जिनको पता है कि आजकल कथन पूछे जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है उन सभी जिज्ञासियों के लिए ऐसे विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है जो वास्तव में गोता खाना चाहते हैं है, है। तो की की जो शायद है, बड़ी बारीकी से अध्ययन के बाद आपके बीच में प्रस्तुत होने जा रहा है तो सभी सज्जनों को सभी देवियों और जितने भी उपस्थित स्वजन है आप सभी से मेरा फिर से निवेदन होगा कि एक बार आप इस लिंक को दूसरे सूजनों तक पहुंचा दें, क्योंकि सभी का आगमन आवश्यक है आवश्यक जिनको लगना चाहिए कि नहीं, जब शिक्षा मिले तो थोड़ा कड़वी ही हो सही लेकिन मिलनी चाहिए तो आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन है फिर से पुनः तो फटाक से शेयर कर लीजिए सभी को शुभ संध्या और हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं जी हाँ हेडिंग डाल लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप यू कह सकते हो कि यूनिट दस में और आज यूनिट दस यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है साथ ही साथ ही ये इंपॉर्टेंट क्लास है उन अभ्यर्थियों के लिए चाहे जो कि टीजीटी की, की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो डी एस 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 बी की तैयारी कर रहे हैं या उत्तराखंड से हूँ

लेकिन हम इस पाठ की बारीकी पर चले इस पाठ की बारीकियों को समझने को एक एक करके हम स्पष्ट करने के चल की ओर बढ़े तो हमको देख लेना होगा इसके रचयिता के बारे में जिनका नाम मिल जाता है राम वृक्ष बेनीपुरी जी हाँ राम वृक्ष बेनीपुरी जी महोदय जो कि आप ठीक से समझें तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जो जन्म है ना वो अठारह सो अठारह सो निन्यानवे ईस्वी में हुआ था देखेंगे अठारह ईस्वी में एक जिला है जिसे मुजफ्फरनगर कहते हैं जी हाँ आप ठीक समझ रहे हैं मुजफ्फरपुर कहते हैं मुजफ्फरपुर बिहार में पड़ता है बिहार बिहार में मुजफ्फरपुर बिहार में एक गांव का नाम ही है जिसका नाम था जिसका नाम है बेनीपुर इसी बेनीपुर गांव में गांव में आप यानी राम वृक्ष जी राम वृक्ष वाले थे तो अठारह में मुजफ्फरपुर यानी जो कि बिहार में पड़ता है वहीं के एक बेनीपुर गांव में इनका जन्म हुआ था में इनका जन्म हुआ था ये थोड़ा समझना होगा कि इनका जन्म कैसे हुआ था और कहा हुआ था तो यह पता चला कि भाई ये वहीं पर हुए थे और उसी के आधार पर यानी गांव के आधार पर ही इनका उपनाम बेनीपुरी रखा गया था हालांकि स्वाधीनता सेनानी के रूप में ये नौ साल जेल में भी रहे आप ये पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता स... पूछ लेता है विकल्प में कि निम्नलिखित में कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनामी... सेनानी नहीं था यह पूछ लेता है तो आप इसको जरूर लिख लें कि स्वाधीन स्वाधीनता आप यू कहते स्वाधीनता स्वाधीनता सेनानी स्वाधीनता सेनानी के रूप में के रूप में नौ साल है नौ साल है। जेल रहे बहुत इंपॉर्टेंट है यानी अपने जीवन के नौ वसंत इन्होंने जेल में बिताए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा लेखक है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है स्वाधीनता सेनानी नहीं रहा है आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है है तो लेकिन आपको जानना है कि राम बेनिपुरी, वो स्वाधीनता सेनानी थे और ये नौ साल जेल की हवा खाए थे ये आप ठीक से समझेंगे इन्होंने अपने जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जरा समझेंगे कि इन्होंने अपने जीवन में अपने जीवन में कई पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था अब आपके दिमाग में कौधेगा कई पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था या हाँ आप कह सकते हैं प्रकाशन किया था या यूं कह सकते हैं कि संपादन किया था कोई दिक्कत नहीं है संपादन किया था यानी राम बेनीपुरी अपने जीवन में कई पत्रिकाओं का संपादन किए थे अब आप कहेंगे कि भाई कई कौन कौन सी थी तो एक जान लीजिए इन्होंने एक पत्रिका हुआ करती थी तरुण भारत आप सबसे एक सवाल होगा अगली क्लास में तरुण भारत कहां से निकलता था ये पता करना कैसा पत्र था कहां से कहां से निकलता था और कहां से निकलता था किस रूप में यानी मासिक था मासिक था साप्ताहिक था यह आपको पता करना और प्रधान संपादक कौन थे प्रधान या मुख्य संपादक कौन थे संपादक कौन थे आपको यह चीज ध्यान देना है अगली क्लास में जैसे ही हम आएंगे पटाक से आपसे यही प्रश्न पूछेंगे तरुण भारत कहां से निकलता था किस रूप में निकलता था और प्रधान संपादक कौन थे क्योंकि अभी तैयारी में हमें लगना होगा, आपको लगना होगा 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 आपको तो आप सभी को को आज ही जाके पूरे डाटा को कलेक्ट करना होगा, लिखना होगा। कल जब मैं क्लास में आऊं तो आपको रिजर्व रूप में इन सारे प्रश्नों को पूछना शुरू करूंगा जो आज पढ़ा रहा हूं इसी पर आधारित प्रश्न होंगे आप पूरी तर्मयता के साथ पढ़ेंगे तैयारी अब क्या होती है और कैसे की जा सकती है अपन लोग अब उसको बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे एक और पत्रिका थी जी हाँ जिसका ये शंपादन करते थे किशान मित्र नाम से, बहुत इंपॉर्टेंट है जी हाँ, किशान मित्र नाम से भी इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी यानी राम वृक्ष बेनीपुरी ने यहां लिख सकते हैं नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी की ही बात कर रहा हूं तो वृक्ष बेनीपुरी ने किशान मित्र नामक पत्रिका निकाली थी इसका भी कहां से किस रूप में और प्रधान संपादक कौन था यह पता करना है तीसरी पत्रिका भी थी जिसका ये प्रकाशन संपादन कार्य किए थे जिसका नाम था युवक तो आपको यह समझना होगा कि युवक कहाँ से निकलता था कहां से निकलता था किस रूप में निकलता था प्रधान संपादक कौन है यह आपको बताना है साथ ही साथ कर्मवीर एक नामक पत्रिका थी जिसे बड़ी फेमस पत्रिका है कर्मवीर हालांकि मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी हम वहां नहीं जाएंगे फिलहाल आपको ये देखना है कि ये जो राम वृक्ष बेनीपुरी थे कर्मवीर का भी प्रकाशन इन्होंने कुछ दिनों तक किया था कहां से किया किस रूप में किया और इसके प्रधान संपादक कौन थे और इसके साथ साथ एक और थी जिसका नाम था हिमालय हिमालय नामक पत्रिका का संपादन कर रखा था यानी राम वृक्ष बेनीपुरी एक सफल लेखक ही नहीं थे कभी ही नहीं थे व्यंगकार ही नहीं थे बल्कि आप यू कह लीजिए कि रेखा चित्रकार ही नहीं थे संस्मरण ही नहीं थे बल्कि यह व्यक्ति इतना बड़ा विद्वान था कि यह सफल व्यस्त भी था संदर्भ में हम बात कर रहे हैं हिमालय है आ गया हिमालय के साथ एक और पत्रिका प्राप्त होती है जी हां जनवाणी जनवाणी पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया था आपको इन्हीं पत्रिकाओं का यानी एक तरुण दो किसान मित्र तीन युवक और चार कर्मवीर पांच हिमालय और छ जनवाणी ये छह पत्रिकाओं के कहां से किस रूप में और प्रधान संपादक कौन थे ये आपको निश्चित तौर पर डाटा कलेक्ट करके कल जो प्रश्न हमारे शुरू होंगे आपसे पूछना शुरू करूंगा आप फटाफट इसके उत्तर देंगे निश्चित तौर पर आप लोग इस बात को समझ लीजिए कि ये छह छह पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने कर रखा था ये इनकी श्रेष्ठता का विषय है अगर हम इनकी बात करें कहानियों के से नितांत भिन्न है ये कहानियां भी लिखते थे और स्केच यानी जिसे शब्द चित्र कहा जाता है बेनीपुरुजी जी की जो शब्द चित्र विधा है वो शब्द चित्र संग्रह की भूमिका में इस प्रकार प्रभाषित करते हैं यानी इन्होंने लिखा है इन्होंने लिखा है अपने शब्द चित्र संग्रह में राम वृक्ष बेनीपुरी जी बेनीपुरी जी जी शब्द चित्र को परिभाषित करते हैं शब्द चित्र को परिभाषित करते हैं अब करते कैसे करते और कैसे करते हैं जरा वो समझने वाला विषय है इन्होंने कहा अपने शब्द चित्र यानी जिसे रेखा चित्र कहते हैं ये कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कहानियां ये यहां पर देखें ये कहानियां ये कहानियां नहीं जीवनियां हैं जीवनियां हैं ये चलते फिरते आदमियों के शब्द चित्र हैं ये बात इन्होंने कहा था इनके जो रेखा चित्र है सो उन्नीस सौ छियालीस की बात है 1946 ईस्वी में इनकी माटी की मूर्तें माटी की मूर्तें माटी की मूर्तें नामक शब्द चित्र नामक शब्द चित्र प्रकाशित हुआ प्रकाशित हुआ यानी इनका जो माटी की मूर्ति हैं वो कब प्रकाशित हुआ उन्नीस सौ छियालीस में देखिएगा इस शब्द चित्र को चित्र को बेनी पुरी जी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसको बात को समझेंगे बेनीपुरी जी ने अपने मामा स्वर्गीय द्वारिका नाथ सिंह नाथ सिंह सिंह और अपनी मौसी अपनी मौसी को समर्पित किया है यह सवाल पूछा जा चुका है समर्पित किया है यह सवाल पूछा गया कि राम वृक्ष बेनीपुरी ने माथी की मूर्ति नामक रेखा चित्र को या शब्द चित्र को किसको समर्पित किया है तो इन्होंने अपने मामा जिसका नाम आप देख पा रहे हैं कि स्वर्गीय द्वारिका नाथ सिंह है और अपनी मौसी को इन्होंने इस शब्द चित्र को समर्पित किया है यहां तक बात ठीक है कि समर्पित किया है ये बात ठीक है कि समर्पित किया है लेकिन मजे की बात थोड़ा सा और जो प्रश्न बनाया जा सकते हैं कि माटी की मूर्तें माटी की मूर्तें माटी की मूर्ति नामक शब्द चित्र में शब्द चित्र में कुल बारह कुल बारह शब्द चित्र हैं कितने शब्द चित्र हैं कुल बारह शब्द चित्र है। अब आइए देखते हैं कि वो बारह शब्द चित्र हैं कौन कौन से तो पहले शब्द चित्र की बात करें तो उसका नाम हम देख पाते हैं कि रजिया मिलता है दूसरे शब्द चित्र की हम बात करें तो वह मिलता है बलदेव दूसरे जो शब्द चित्र का नाम है बलदेव सिंह पर वह अवत जो है अवलंबित है उसका नाम है आइए तीसरे रेखा चित्र की बात कर ले शब्द चित्र की जो कि इसमें यानी माटी की मूर्ति में संग्रहित है उन्हीं बारह को देख रहे हैं बलदेव सिंह के साथ साथ एक और थे जिनका नाम था सरजू भैया जी हां सरजू भैया नामक जो शब्द चित्र है वह भी इसी में संकलित है चौथे नंबर पर अगर आप हम देखें तो मंगर जी हाँ मंगर नाम से एक इनका महत्वपूर्ण संस्मरण दिखाई देता रेखा चित्र दिखाई देता है पांचवे पर चले तो रूपा रूपा की आजी जी हाँ रूपा की आजी नामक एक रेखाचित्र चित्र प्राप्त होता है जबकि हम और आगे बढ़ें छठवें नंबर पर देखें तो छठवें नंबर पर हमें मिलता है देव जी हाँ देव नामक रेखा चित्र हमें प्राप्त होता है और सातवें नंबर पर यद्यपि हम देखने की कोशिश करें तो सातवें नंबर पर हमें मिल जाता है बाल गोबिन भगत बाल गोबिन भगत यह सातवां नंबर का रेखा चित्र है जबकि आठवें नंबर पर हम देख पाए तो आप पाते हैं भौजी भाजी नामक एक महत्वपूर्ण सन रेखा चित्र हम पाते हैं और यहां हम नवे नंबर पर आ जाएं तो नवे नंबर पर हम पाते हैं कि इन्होंने एक लिखा है परमेशर परमेश्वर परमेशर नामक रेखा चित्र इन्होंने लिखा है जबकि दसवें नंबर पर हम यहाँ पर देखें तो इन्होंने लिखा है बैजू मामा जी हां बैजू मामा नामक रचना को रेखा चित्र को लिखा है और ग्यारहवें नंबर पर हम देखें तो आप पाएंगे कि ग्यारहवें नंबर पर आ, सुभान खां सुभान खा नामक एक और इनका रेखा चित्र मिलता है जबकि बारहवें नंबर पर हम देखें तो बारहवें नंबर पर मिल जाता है बुधिया जी हां ये बुधिया नामक बारह रेखा चित्र सामने हैं स्क्रीन आप ले सकते हैं मैं बीच से हटता हूं फटाफट आप देखते जाएं और आनंद के साथ लें बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत है बिल्कुल अभिनंदन है आप सभी का बहुत स्वागत है अद्भुत है ये बारह रेखा चित्र आप सबके सामने अद्भुत है इसी तरह शेयर करते रहें लोगों को बताते रहें कि सर आए हैं और नवरात्रि में ऑफर है क्या बिल्कुल नहीं कोई ऑफर ऑफर नहीं भैया बस आप सब पढ़ते रहे यही ये काफ़र है का पढ़ रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल समीर वर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चलिए यहां तक हो चुका स्क्रीन शॉट ले लिए हो तो फटाक से तब करें आगे बढ़ें यहां तक का सफर अगर हो चुका हो तो फटाक से आप आगे बताएं फिर आगे बढ़ लू बिल्कुल बिल्कुल रिशु यादव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका यहां तक की बातें होंगी स्क्रीन शॉट हो गया हो तो आगे बढ़े सामने आ जाए हुआ या नहीं बहुत अपन अभिनंदन है बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा अब आपको एक एक करके चाहे पहले रजिया की बात करें फिर बलदेव सिंह की बात करें इन इन पात्रों को बताते हैं आज हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं नेट की तैयारी आप कैसे सजगता श्रेष्ठता और पूरे आनंद के साथ कर सकते हैं बोझ ना लगे तो पहला रेखा चित्र मैंने क्या लिखा था रजिया लिखा था किसमें है माची की मूर्ति में है कब प्रकाशित हुआ उन्नीस में लिखा किसने था राम बेनीपुरी ने समर्पित किसको किया अपने मामा को द्वारकानाथ सिंह और अपनी मौसी को अच्छा इसमें कितने बारह शब्द कितने चित्र हैं है. रेखा चित्र को शब्द चित्र किसने कहा है वृक्ष बेनीपुरी ने कहा है, है. यह बात है तो बेनीपुरी नाम कैसे पढ़ा क्योंकि बेनीपुर नाम गांव के ये रहने वाले थे जो जो कि बिहार के मुजफ्फरनगर में पड़ता है ये सारे प्रश्न आपके हैं अब इसमें पात्र कौन कौन से हैं रजिया में पहले हम पात्र समझते हैं इसमें पात्र कौन कौन से हैं तो एक पात्र तो स्वयं लेखक है लेखक इसमें जो है वो प्रथम पात्र है दूसरा पात्र देखें तो इसमें मौसी है जी हाँ इसमें कौन है मौसी है तीसरा पात्र कौन है जी हाँ रजिया जो कि एक चूड़ीहारिन है क्या है रजिया एक क्या है चूड़ीहारिन है बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसकी नायिका भी चूड़ीहारिन और इसके साथ साथ इसमें जो पात्र है उसे क्या कहता है कहा जाता है रानी और इसमें एक पात्र का नाम क्या है हसन ये पात्र हैं रजिया के हमें समझना होगा कि लेखक भी है उसकी मौसी भी है रजिया इसकी नायिका भी है और रानी के साथ साथ हसन इसमें मुख्य पांच पात्र हैं यह केवल रजिया को हमने देखा आइए दूसरा जो शब्द चित्र था वो बलदेव सिंह था दूसरा बलदेव सिंह बलदेव सिंह नामक जो रेखा चित्र है इसमें भी क्या है कि एक पहला पात्र जब ले, जब शब्द चित्र लिखा जाता है तो प्रायः लेखक स्वयं उसमें होता है अब इसमें उसमें मौसी थी तो इसमें इनके मामाजी थे जी, जी हाँ बलदेव सिंह और लेखक है मामा जी हैं और इसमें विधवा भी है एक विधवा का इसमें अंकन हुआ है लेकिन उसका कुछ नाम नहीं बताया गया है विधवा के साथ साथ बलदेव सिंह भी इसमें एक पात्र है और यही इसके नायक हैं बलदेव सिंह जी और इसमें एक पात्र है पुलिस अगर आप ठीक से समझें इन पात्रों को जो मैं बता रहा हूं अभी जल्दबाजी बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है केवल आप ये बात समझें कि जितने भी इसमें उल्लिखित हैं तथ्य क्या उन तथ्यों को आपको समझ में आ रहा है हम अभी थोड़ी थोड़ी देर में आगे बढ़ते रहेंगे एक एक चीज को लेकर के बढ़ेंगे सुपर साहब भी हैं एक पात्र इसमें और एक पात्र हैं मौलवी साहब मौलवी साहब मौलवी साहब मित्रों ये बात तो समझ में आ गई कि बलदेव सिंह में लेखक खुद है उसके मामा हैं पहले रजिया में उसकी मौसी थी विधवा एक कोई औरत है जिसका उल्लेख मिलता है बलदेव सिंह हैं पुलिस है, है सुप्रिंटेंडेंट साहब हैं और मोलजीब साहब ये दो पात्र हो गए दो रेखा चित्र हो गए दो शब्द चित्र हो गए अब तीसरे शब्द चित्र पर चलते हैं तीसरे शब्द चित्र का नाम था सरजू भैया जी हाँ क्या नाम था सरजू भैया ये पूछा जा सकता है और यहां से प्रश्न आपसे आएंगे तो आप जानते रहे इसमें एक पात्र स्वयं लेखक तो है ही एक पात्र अगर लेखक है इसके बाद दूसरा पात्र जरूर सरजू भैया होंगे सरजू भैया को ले लो तीसरा इसमें जो पात्र है उसे महाजन कहा जाता है जी हाँ, महाजन कहा जाता है तीसरा इसमें मौसी मजे की बात है कि हमें मौसी और मामा का खेल भी देखना है और इसमें जो एक और पात्र है जिसे रानी कहा गया तो यह तीसरा रेखा चित्र हुआ चौथा रेखा चित्र जिसे हम मंगर कहते हैं मंगर नामक रेखा चित्र के विषय में भी देख लें इसमें लेखक स्वयं तो है ही और इसके साथ एक और पात्र है जिसे हम मंगर कह देते हैं मंगर के साथ साथ इसमें चाचा जी हैं मजे की बात है और यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि मौसी और मामा के अतिरिक्त कौन सी ऐसी रचना है जिसमें चाचा जी का उल्लेख है तो आप जान लेंगे चाचा जी का उल्लेख मंगर नामक रचना में है और देखिए भकुलिया भी इसी में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है राम वृक्ष बेनीपुरी के किस संस्मरण में या किस किस रेखा चित्र में नामक पात्र प्राप्त होता है तो ठीक से समझेंगे मंगर नामक एक रचना है एक शब्द चित्र है उसी शब्द चित्र में ही नामक पात्र का उल्लेख प्राप्त होता है यह तो हो गया चौथा आइए पांचवा हम देखते हैं रूपा की आजी एक और शब्द चित्र हम लेते हैं रूपा की जो आजी है उसमें अगर आप देखें तो लेखक तो है ही लेकिन जैसे ही लेखक की बात आती है इसमें मामा नहीं बल्कि उनकी पत्नी मामी भी आ जाती है पात्रों में और इसमें रूपा है रूपा की आजी है रूपा की आजी भी है क्योंकि कथानक में महत्वपूर्ण पात्र है इसमें रवि भी है और इसके साथ साथ इसमें रवि के साथ साथ बाबू सखी भी है बाबू सखी भी, भी है ये महत्वपूर्ण पात्र हम देख पा रहे हैं छठवां नंबर का जो रेखा चित्र है उसे देव कहते हैं देव में लेखक स्वयं है लेखक के साथ साथ कौन है इसमें है तपेसर भैया तपेसर भाई और इसमें पात्र कौन है देव और कौन है फिर से आगे कौन मामा जी समर्पित है मामा जी और मौसी पर देव के बाबा देव के बाबा यह भी एक पात्र है पुलिस है एक जिसका नाम है कुनकुन पुलिस कुनकुन कुन कुन दरोगा या दारोगा कह लीजिए और एक है इंस्पेक्टर 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 आदि ये देव जो पात्र हैं ये देव नामक रेखा चित्र यानी शब्द चित्र के पात्र ठीक बात है थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं छ हो गया सातवें संस्मरण पे चलते हैं अभी एक एक करके धज्जी उड़ाएंगे बस आप आराम से देखें बाल गोबिन भगत बाल गोविन भगत ये जो आपके रेखा चित्र हैं रामवृक्ष बेनीपुरी की इसमें लेखक तो निसंदेह है ही लेखक के अतिरिक्त इसमें बाल गोविंद भगत भी हैं बाल गोविंद भगत भी हैं और तेली भी है तेली बेटा और पतो बेटा और ये भी है पतोहु ये इसके पात्र हैं यानी बाल गोविंद भगत के आठवें में आ जाए जिसे हम संस्मरण कहते हैं भौजी कौन सा संस्मरण कहते हैं भाऊजी संस्मरण कहते हैं जिसमें एक लेखक है भैया है हंड्रेड परसेंट भाऊजी तो हो भाई करेंगी भाऊजी हैं जी हैं कौन है फूफा जी हैं देवर हैं चाचा है ध्यान देना चाची हैं रानी हैं संपादक दोस्त हैं संपादक दोस्त हैं अब ये पूछा जाता है राम वृक्ष बेनीपुरी का कौन सा शब्द चित्र जो रिश्तों पर आधारित है जी हाँ, भूजी किस पे आधारित है रिश्तों पर आधारित है तो वो भाजी है आठ हो गए नौ पे चलते हैं। एक है परमेश्वर एक महत्वपूर्ण इनका शब्द चित्र परमेश्वर इसमें लेखक है और इसके साथ साथ परमेश्वर है दो पात्र तो आपको दिमाग में रहना ही है और इसके साथ साथ श्री राम भी इसी में है श्री राम भी हैं इसमें और ओझा जी भी हैं, चाचा जी भी हैं, और परमेश्वर की पत्नी है यही पात्र परमेश्वर नामक रचना में है अगर हम नौ हो गया दसवें की बात करें जिसे कहते हैं बैजू मामा बैजू मामा लेखक है बैजू मामा है बैजू मामा है मेट हैं जेलर साहब हैं जेलर साहब हैं जज है ये महत्वपूर्ण पात्र आपके सामने एक एक करके सुभान खा की बात करें सुभान खा परीक्षा के लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से सब कुछ पूछ रहा अभी वो बहुत कुछ मिलने जा रहा है आप परेशान बिल्कुल ना हो इसमें क्या है लेखक है सुभान दादा हैं सुभान दादा हैं नानी हैं नौजवान हैं नौजवान हैं यजीद हैं में पात्र हैं यजीद और हजरत हुसैन है। हजरत हैजरत ये पात्र तो सुभान खां के हो गए ग्यारह ही हुए अभी अंतिम बाकी है आइए आगे बढ़ते हैं बराहमी का नाम आपसे बताया था कि बुधिया है और इस रेखा चित्र है बाल गोविंद भगत के बाद और सर्वाधिक अगर कोई विख्यात इस, इस रेखा चित्र का कोई पार्ट है कोई अंश है तो ये बढ़ावा है जिसे बुधिया कहा जाता है इसमें लेखक तो स्वयं है ही बड़ा मार्मिक रेखा चित्र बन पड़ा है इसके साथ साथ बुधिया भी इसकी पात्र है बुधिया और तीसरा पात्र इसमें जगदीश है इसके अतिरिक्त तो कोई भी पात्र इसमें नहीं है लेखक बुधिया और जगदीश के सहारे ही पूरा कथानक आगे बढ़ता है राम वृक्ष बेनी पुरी की शब्द चित्रों को पढ़ने के बाद ना केवल हम रिश्तों की वास्तविक परख पर पहुंच पाते हैं बल्कि आप यूँ कह लीजिए कि हम उस जगह पहुंच पाते हैं जहां बेहतर होते हैं <coughs> बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक बातें पहुंच पाए हैं कि नहीं सर के द्वारा दिए गए पीडीएफ बहुत ही अच्छा है अद्भुत है काफी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत कुछ दे चुका हूं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया नीलम रामस्वरूप चतुर्वेदी बच्चन सिंह आचार्य रामचंद्र सनसुट के कथा, एवं लाइन और प्रश्नों की जितने प्रश्न सके जाए कम है बिल्कुल। परीक्ष प्रश्न बहुत बहुत धन्यवाद नहीं नहीं ठीक है यू बिल छह महीने में होता है कोई दिक्कत नहीं सर आप पढ़ाए गए हर टॉपिक अतुल चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सबका यहां तक की बातें हम लोगों ने समझा और जा जाना अब आइए कुछ महत्वपूर्ण कथन जो आपसे पूछे जा सकते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं माटी की मूर्त की ही कथन को हम लोग लेंगे मुख्य कथन मुख्य कथन जो माटी की मूर्ति में आपसे पूछा जा सकता है तो कथन नंबर एक डॉक्टर का दरवाजा डॉक्टर का दरवाजा कभी बंद नहीं रहना चाहिए डॉक्टर का दरवाजा कभी बंद नहीं रहना चाहिए और और पादरी का फाटक फाटक हमेशा हमेशा खुला होना चाहिए खुला होना चाहिए यह किस रेखा चित्र से है आपसे कभी पूछे तो आप बताएंगे कि यह है माटी की मूर्ति से माटी की मूर्ति से एक महत्वपूर्ण कथन दूसरा कथन इसका बहुत महत्वपूर्ण है कि आज खाए और आज खाए और कल को झको कल को झक है झक है आज खाए और कल को झको ताको, ताको गोरख संगन रख है संगन रख है ये महत्वपूर्ण तो कथन है कि आज खाए और कल को झक है आज खा रहा है पेट भर रहा है लेकिन झंख रहा है पछता रहा है कल की और ताको गोरख संघ ऐसे लोगों को गोरखनाथ कहते हैं कि संग नहीं रखना चाहिए जो आज मस्त ना होकर के कल की चिंता व्याप्त किए बड़े, ऐसा कथन कहां से है माटी की मूर्ति से दो कथन होंगे आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तीसरा हिंदू की होली में हिंदू की होली में मुसलमानों हिंदू की होली में मुसलमानों की दाढ़ी रंगी होती हिंदू की होली में मुसलमानों की दाढ़ी रंगी होती मुसलमानों मुसलमानों के ताजिए ताजिए में हिंदू के कंधे लगे होते तो तो मानवता जग उठती बहुत इंपॉर्टेंट कथन चौथा कथन लेन देन जिसे नग्न जिसे नग्ना शब्दों में सूदखोरी कहिए चाहता है चाहता है आदमी आदमीपन चाहता है आदमी आदमीपन खो दे वह जोंक खटमल नहीं नहीं चीलर बन जाए चीलर बन जाए लेन देन जिसे नग्न शब्दों में सूद खोरी कहिए आदमी चाहता है आदमी आदमी पन को खो दे वह जोक खटमल नहीं चीलर बन जाए तब यह हो सकता है बड़ा अच्छी बात बड़ा कटाक्ष सही कहा है माटी की मुर्दे में चलिए इन्होंने लिखा अगला कथन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब तो अब तो ऐसे भी गांव ऐसे भी गांव हैं जहां ऐसे भी गांव हैं जहां के हिंदू मुसलमानों मुसलमानों के हाथ से सौदे सौदे भी नहीं खरीदते अब तो ऐसे भी गांव हैं जहां के हिंदू मुसलमानों के हाथ से सौदे सौदे भी नहीं खरीदते ये बात दर्शाती है कि रूढ़ता अपने चरम पर थी और यही बात खत्म नहीं होती इन्होंने दूसरा कथन कहा कि कला का, का काम जीवन को छिपाना नहीं छिपाना नहीं उसे उभारना है उभारना है कला वह जिसे पाकर जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे निखर उठे चमक उठे यही कला है जो कला है वो जीवन को छुपाती नहीं है बल्कि वह जो है जिंदगी को निखार देती है और उसको चमका देती है ये तो ठीक ही कहा और देखिए एक कथन और भी ज्यादा बेहतर इनका देख पड़ता है कि आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा के पास चली गई विरहिणी अपने प्रेमी से जामिली भला इससे बढ़कर बढ़कर आनंद की कौन बात कौन बात यह बात यहां पर इन्होंने लिखा ये महत्वपूर्ण इनके कथन है इस, इस रचना में थोड़े से और कथन जो आपसे प्रश्न से पूछे जा सकते हैं निशाचरी काम के लिए निशाचरी काम के लिए पहले निशाचर बन जाना पड़ता है बन जाना पड़ता है अब होगा अगर कोई गलत काम आपको करना है तो पहले उसमें आपको डूबना होगा तब ये हो पाएगा अरे एक और कथन अरे ये बुढ़िया नहीं बुढ़िया नहीं काल है क्या है पाल है आदमी नहीं आदमी नहीं सापिन है क्या है शापिन है चलती फिरती चुड़ैल चलती फिरती चुड़ैल बामानी बामनी बामनी है नहीं तो इसे जिंदा नहीं तो इसे जिंदा गाड़ देने में कोई पाप नहीं लगता कोई पाप नहीं लगता बहुत इंपॉर्टेंट कथन चल रहे हैं आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ये माटी की बनी है ये माटी की बनी है माटी पर धरी है इसलिए इसलिए जिंदगी के नजदीक इसलिए जिंदगी के नजदीक है जिंदगी से शरा बोर है शरा बोर है ये देखती है ये देखती है सुनती है खुश होती है साप देती है आशीर्वाद देती है आशीर्वाद देती है ये कथन किसका है जी हां राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तियों का जरा और देखे उफ तीस रुपए उफ तीस रुपए तीस रुपए तीस रुपए तीस रुपए में बैल और और तीस उप तीस रुपए तीस रुपए तीस रुपए में बैल और तीस रुपए में गाय और इसी तीस रूपय में एक की, एक की जिंदगी के तीस साल बर्बाद गए बर्बाद गए बेचारा तीस के अजीब गोरख धंधे में फंस गया है मैं फंस गया है अंतिम कथन लेता हूं आज की इस माटी की मूर्ति का जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं इंपॉर्टेंट यहां देखें मैं मुसलमान मैं मुसलमान हूं कभी कभी अल्लाह को कभी अल्लाह को नहीं भूला हूं नहीं भूला हूं मैं मुसलमान मैं मुसलमान की हैसियत से मुसलमान की हैसियत से कहता हूं मैं गाय की गाय की कुर्बानी ना होने दूंगा न होने दूंगा न होने, दूंगा। ना होने दूंगा। मैं मुसलमान हूं कभी अल्लाह को नहीं भूला मैं मुसलमान की हैसियत से कहता हूं मैं गाय की कुर्बानी नहीं होने दूंगा ना होने दूंगा बहुत इंपॉर्टेंट कथन था यहीं पर माटी की मूर्तें माटी की मूर्तें बहुत इंपॉर्टेंट आज आपने टॉपिक पढ़ा समाप्त हुआ माटी की मूर्ति के कथनों को उसके पात्रों को उसके लेखक के महत्वपूर्ण तथ्यों को आदि आप लोगों ने पढ़ा निसंदेह जब इसको आप पढ़े हैं तो आपने देखा होगा कि ये जो यूजीसी नेट की परीक्षा है वो आपके लिए बड़ी आसान होगी किसी भी जानकारी के लिए किसी भी ढंग से जुड़ने के लिए अकादमी पर अभी भी टीजीटी और पीजीटी के कोर्स उपलब्ध है और सारे कोर्स लगभग पूरे किए जा चुके हैं और जो जहां से भी जुड़ेगा उसको वहीं से सब कुछ प्राप्त होगा नेट के लिए अलग से क्लासें हम चल चुकी हैं रोज लाइव क्लास होगी नेट और जी के लिए स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पेशल हम उस पे क्लास लेने चल रहे हैं तो स्पेशल नेट जेरब की क्लास अब लाइव क्लास से लेगी आपको टीजीटी पीजीटी की लाइव क्लासें आपको मिल ही रही हैं लगातार कोर्स आगे बढ़ ही रहा है कोर्स में आप लोग आनंद के साथ बढ़ ही रहे हैं और इसके साथ-साथ छत्तीसगढ़ साथ हो मध्य प्रदेश हो राजस्थान हो यहां के अभ्यर्थियों के लिए भी दरवाजे खुले हैं मिलते हैं कल ठीक 8:00 बजे आना मत भूलिएगा और इस वीडियो को आपने हाँ यहाँ तक देखा आप सभी के माता पिता के चरणों में मेरा वंदन और आप सबको आशीर्वाद बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे बड़े व श्रेष्ठ जन जुड़े रहे हमारे साथ आप सबको भी मेरा अभिनंदन मिलते हैं कल ठीक आठ बजे तब तक स्वस्थ रहिए मस्त रहिए मस जय हिंद जय हिंदी